हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यदि आप नेट नेट JRF या फिर PhD कर चुके हैं तो आपके लिए गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वैकेंसीज आए हुए हैं। ये देखिए, ये जारी हुआ है बिलासपुर CGU से 3/10/2023 को, और इसमें बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन द यूनिवर्सिटी अंडर रोलिंग एप्लीकेशन सिस्टम। इसमें फर्स्ट दिया है, एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। इसका कुछ निश्चित टाइम है, उसका टाइम तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। सेकेंड दिया है, डिटेल ऑफ वैकेंट पोजिशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड जनरल इंस्ट्रक्शन लिस्ट ऑफ एलाइड सब्जेक्ट आर अवेलेबल एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट GGU.ac.in में इसका जो है कौन से सब्जेक्ट में कितना पोस्ट है वो सब बताया गया है, तो उसको अभी मैं बताऊंगा, बने रहिए। अगला जो है तीसरा नंबर पॉइंट है, द डिसाइजिंग एप्लीकेंट मस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट क्लियरली एंड स्पेसिफिकली शोइंग द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड रिसर्च पब्लिकेशंस, फेलिंग विच ऑफ द एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो सब क्लियरली डॉक्यूमेंट के थ्रू आप उसमें अप्लाई करेंगे। फोर्थ है, नॉन रिफंडेबल फी, फी जो है रिफंड नहीं होगा यदि आप फॉर्म डालते हैं एक बार। 2500 रुपये फीस है ना, लेकिन 1000 फॉर SC/ST/PWD फीमेल कैंडिडेट्स, इनके लिए कुछ छूट है 1500 रुपये का, ST/SC और फीमेल या PWD कैंडिडेट्स। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर GOI UGC रूल के अनुसार जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ऑल पर्सन बिलोंग्स टू ST/SC/OBC/PH/EVS कैटेगरी, इनको जो भी UGC के द्वारा कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है ना, साल में जो एज है उसमें मिल सकता है। वेरियस वेकेंट पोजिशंस अंडर डिफरेंट कैटेगरीज रोस्टर में भी चेंज इफ एनी इन द फ्यूचर एज पर द डायरेक्शंस ऑफ MHRD UGC ऑन द रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर पोस्ट रोस्टर पोजिशन। तो इसमें जिनको जिनको छूट मिलना है उनको भी मिलेगा, उनके पोस्ट में अलग अलग जो कैटेगरीज है। एनी चेंज आर अमेंडमेंट इन दिस एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ओनली, देयरफॉर द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली एंड रिमेन अपडेटेड। यानी जब आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके साइट में रेगुलरली बने रहिए, तो आपको जो है पूरी तरह से और जानकारियाँ वेबसाइट में ही दी जाएगी। अब हम देखते हैं इसके पोस्ट, जिसमें कितने कितने पद हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, प्रोफेसर में कितने पोस्ट हैं। ये देखिए, प्रोफेसर के लगभग 48 पोस्ट हैं, मैंने इसको जोड़ा था, तो टोटल जो है प्रोफेसर के 48 पोस्ट हैं। इसमें अलग अलग विषय है, टोटल जो है लगभग 20 विषय है। मैं जूलॉजी से हूँ, जूलॉजी भी है ना, इसमें हिंदी है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। केमिकल इंजीनियरिंग और अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है। ये हुए प्रोफेसर के लगभग 48 पोस्ट हैं, और उसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर के हैं टोटल 60 पोस्ट हैं। इसमें 60 पोस्ट, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट, ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट करके भी रख सकते हैं या फिर GGU.ac.in में भी जाकर देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि नेट सेट पास कर चुके हैं उनके लिए ही, और इसमें लगभग जो है 29 पोस्ट है ना, 13, 5, 18, 19, 19 और 7, 9, 7, 16, 26 लगभग पोस्ट है, सॉरी 23, 24, 25, 26 पोस्ट है, ठीक। और इसमें कुछ नोट दिया हुआ है, दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोजीशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस वाइल्ड लाइफ एजुकेशन एंड रूरल टेक्नोलॉजी अंडर अर्लीस एडवर्टाइजमेंट नंबर 370 रेक एडमन 2023 डेटेड 18/4/23 हैव टू अप्लाई अगेन अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट। दिस कैंडिडेट्स नीड नॉट सबमिट द फी अगेन, दे कैन अप्लाई यूजिंग रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि इसका जो है विज्ञापन शायद 18/4/23 को अप्लाई किए हैं ये सब्जेक्ट वाले,
तो इनको फिर से जो है फी अप्लाई फी पे करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट फिर से उसको बताया गया है। और एविएशन यूज्ड है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। बाकी चीज़ इसमें लास्ट डेट कब है ये नहीं बताया गया है, तो वेबसाइट पर अभी जो है फॉर्म अगर अप्लाई होता है तो आप जाके कर